कल कांग्रेस ने पूरे देश में बंद बुलाया, करीबन 21 पार्टी ने इनका समर्थन किया। यूपी में बीएसपी समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं समर्थन करता हुआ नहीं दिखे, खुल के सामने नहीं आए। लेफ्ट दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किए और कांग्रेस के साथ कई और पार्टी रामलीला ग्राउंड के पास प्रोटेस्ट करते नजर आए। और देश में जिस ढंग से प्रेशर डालकर दुकान जबरदस्ती बंद कराकर जो बंद करने का कोशिश किया गया, इन सारी घटनाओं को कैसे देखते हैं? फ्लॉप हो गया कांग्रेस का भारत बंद का ऐलान। आज जनता जानती है कि पेट्रोल और डीजल भारत में पैदा नहीं होता है, ये विदेशों से लाना पड़ता है। और विदेश में इस समय पेट्रोल और डीजल की बाज़ार बहुत हाई है, वहाँ कीमतें बढ़ी हैं। वहाँ कीमत बढ़ेंगी तो भारत में बढ़ेंगी, वहाँ घटेगी तो भारत में घटेगी। तो अभी आप देखिए कि कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने बयान दिया था, पेड़ पर तो कहीं पर पैसे लगते नहीं हैं, इसलिए डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। उनके ज़माने में 77 रुपए तक की डीजल की कीमत, पेट्रोल की कीमत की पर्चियां लोगों को आज मिली हैं। आज किस मुख से वो बंद कर रहे हैं? जिस तरह जबरदस्ती करके व्यापारियों को उन्होंने डराया धमकाया और व्यापारियों ने जो दृढ़ता से साथ दिया है बंद न करने का मन बनाया, उसके लिए मैं व्यापारी समाज को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। देहरादून में जिस कदर एक सिख भाई से कांग्रेस के लोगों ने कहा इसको लूट डालो, और मैं उस सिख भाई को भी दाद देता हूं कि उन्होंने कहा कि 84 के दंगों में तो आपने हमको लूट डाला, जला डाला, और लूटना है तो लूट लो, हम दुकान बंद नहीं करेंगे। इसी तरह से कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता जो स्पीकर रहे हैं, उन्होंने एक दरोगा के साथ जो बदतमीजी करी है और उसको जिस तरह धमकाया, मैं उस दरोगा को भी सैल्यूट करता हूं। उन्होंने कहा कि स्कूल बंद कराते समय कांग्रेस के लोगों ने लड़कियों से छेड़छाड़ करी है, इसलिए ये मेरी ड्यूटी है कि बंद में नहीं होने दूंगी, और वो अकड़ के खड़ी रही, उसको घेरने की कोशिश भी करी, लेकिन उसने अपनी दृढ़ता का परिचय दिया। इनको सैल्यूट करना पड़ेगा, कांग्रेस की पोल खुल गई कि उनके साथ कोई नहीं है, और कांग्रेस जिस तरह की दादागिरी और धींगा मस्ती से बंद कराना चाहती है, वो भी उनका एक अलग स्वरूप पूरे समाज के सामने दिखाई दिया। सर, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कांग्रेस